हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं जहां पर आपके सिस्टम में इंटरनेट की कनेक्टिविटी का यूज़ छोटे बच्चे करते हैं या फिर आपके सिस्टम को कुछ और एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं, तो आपके सिस्टम पे आप एक ऐसी प्रॉक्सी सेटिंग कर सकते हैं जिसकी मदद से आप कुछ ही वेबसाइट अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं। बाकी की जितनी भी अननेसेसरी वेबसाइट हैं जो काम की नहीं है, या फिर जिन वेबसाइट की वजह से एम्प्लॉयज पर या फिर किड्स पर एक अलग इफेक्ट पड़ सकता है, तो आप उन वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि जो वेबसाइट आप यूज में लेते हैं जस्ट वही आपके सिस्टम पे चलेगी, अदरवाइज बाकी की सारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सिस्टम पे मैं सभी वेबसाइट यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ, चाहे वो google.com की वेबसाइट हो, चाहे वो youtube.com की वेबसाइट हो, चाहे वो facebook.com की वेबसाइट हो, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि मैं सभी वेबसाइट यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम एक प्रॉक्सी सेटिंग का यूज लेंगे जिनकी मदद से हम जो वेबसाइट चाहें, अगर सपोज अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ youtube.com ही मेरे कंप्यूटर पे चले, तो सिर्फ youtube.com ही चलेगा, बाकी की सारी वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो वो सेटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला। हालांकि कुछ वीडियोज मैंने आपको पहले भी बताए हुए वेबसाइट को ब्लॉक करने के बारे में, जिसमें हम पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, बाकी की सारी वेबसाइट चलेंगी। तो यहाँ पर चलिए इस सेटिंग को कैसे यूज करेंगे, इसके लिए आपको जाना है अपने सिस्टम के कंट्रोल पैनल में। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी तरीके से कंट्रोल पैनल में जाएंगे और यहाँ पे आप स्मॉल आइकन व्यू में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी में आपके पास लार्ज आइकन और स्मॉल आइकन आता है, और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन फाइंड आउट करना है वो है इंटरनेट ऑप्शन। ठीक है, इंटरनेट ऑप्शंस में आप जाएंगे। इंटरनेट ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी इंटरनेट ऑप्शंस के नाम से, और यहाँ पे काफी सारे टैब्स ऊपर आ रहे हैं, जनरल, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंटेंट, कनेक्शंस, प्रोग्राम, एडवांस। ठीक है, तो आपको जाना है यहाँ पे कनेक्शंस में। कनेक्शंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है लैन सेटिंग में। ये जो सेटिंग मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये सेटिंग डायलअप कनेक्शंस के लिए और वीपीएन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आप लैन के थ्रू आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वाईफाई कनेक्शन के थ्रू आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तब ये सेटिंग यहाँ पे आपकी वर्क करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है लैन सेटिंग्स में। ठीक है, लैन सेटिंग्स में आप जाएंगे। लैन सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऊपर लिखा आ रहा है ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन और नीचे लिखा आ रहा है प्रॉक्सी सर्वर। तो हमको यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर यूज लेना है। ऑटोमेटिक डिटेक्ट सेटिंग वगैरह ये ऐसे के ऐसे ही रहेगी आपकी सेटिंग, जो डिफॉल्ट सेटिंग है। यहाँ पे जस्ट आपको जो सेटिंग में चेंज करना है वो है प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग। यहाँ पे आप इस ऑप्शन को यूज द प्रॉक्सी सर्वर फॉर योर लैन को आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस टाइप करना है यही सेम 127.0.0.1। ठीक है, ये एक लोकल होस्ट सर्वर एड्रेस है, प्रॉक्सी सर्वर जहां पे हम यूज दे रहे हैं, जिससे कि हम किसी वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा जो सिस्टम है, जो वेबसाइट हम चाहेंगे वहीं तक पहुंच पाएगा, अदरवाइज और वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो आपको ये एड्रेस यहाँ पे यूज लेना है और यहाँ पे पोर्ट आपका 80 रहेगा। ये करने के बाद, ये दोनों चीजें करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा, आपको ये लिखना पड़ेगा 127.0.0.1। ठीक है, इस तरीके से पोर्ट, हो सकता है आपके पास 80 लिखा आ रहा हो, नहीं लिखा आ रहा होगा तो आप 80 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ऐसी की ऐसी रहेगी। देन आपको एडवांस टैब में जाना है। एडवांस टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास प्रॉक्सी सेटिंग ओपन होगा। अब आप देखिए यहाँ पे एक्सेप्शंस लिखा आ रहा है। एक्सेप्शंस में यहाँ पे आप उन वेबसाइट को यहाँ पे लिखेंगे, उनका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे सेमी कॉलन्स के साथ, जिनको आप यूज करना चाहते हैं। उनके अलावा बाकी की सारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। जैसे सपोज मैं अपने कंप्यूटर पे सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ यहाँ पे www.youtube.com यूज करना। इस एड्रेस को आपको दो तरीके से लिखना है, एक तो www के साथ और एक बिना www के साथ। तो उसके लिए आप सेमी कॉलन यूज लेंगे सेपरेट करने के। सेपरेट करने के बाद आप एक स्पेस दे सकते हैं, देन यहाँ पर लिखेंगे youtube.com। ठीक है, तो ये एक एड्रेस आपको दो तरीके से लिखना है, एक में आपको www. include करना है और एक में आपको इंक्लूड नहीं करना है, एज इट इज सेटिंग करनी है। अगर आपको और वेबसाइट इंक्लूड करनी है, सपोज मैं आप सेमी कॉलन यूज करता हूँ, स्पेस देता हूँ और यहाँ पे www.google.com यहाँ पे यूज लेता हूँ, और उसके बाद सेमी कॉलन करके google.com एक बिना www के। ठीक है, तो यहाँ पे ये एड्रेस मैंने दो एड्रेस चार तरीकों से यहाँ पे लिखा, और जस्ट आप इसको ओके कर देंगे, सभी सेटिंग्स को आप ओके कर देंगे, आपकी सेटिंग यहाँ पे हो गई प्रॉक्सी सेटिंग। अब चलते हैं ब्राउजर पे। ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि google.com यहाँ पे ओपन होगा आपका। ठीक है, youtube.com आपका ओपन होगा। ठीक है, बाकी कोई वेबसाइट यहाँ पे ओपन नहीं। जैसे सपोज मैं ट्विटर भी ओपन करूँ, twitter.com,
तो ट्विटर यहाँ पे ओपन नहीं होगा। आप देख सकते हैं नो इंटरनेट आ गया यहाँ पे। अगर मैं फेसबुक ओपन करूँ, फेसबुक डॉट कॉम में ओपन करूँ, तो यहाँ पे फेसबुक डॉट कॉम भी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो मैंने ये प्रॉक्सी सेटिंग के हिसाब से जो दो वेबसाइट हैं गूगल और यूट्यूब, जस्ट मैं यही यूज कर सकता हूँ और यूज नहीं कर सकता, चाहे कोई सी वेबसाइट हो, चाहे वो जॉब अलर्ट की हो, फ्री जॉब अलर्ट वगैरह हो, कोई भी वेबसाइट हो, हम यहाँ पे उनको यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं जहां पर आप चाहते हैं कि भाई आपके इंटरनेट का मिसयूज ना हो, तो आप वहां पर ये प्रॉक्सी सेटिंग का यूज ले सकते हैं, जिससे कि आप लिमिट कर सकें अपने इंटरनेट की यूज के लिए। अगर आपको वापस से सेटिंग्स हटानी है, तो आप वापस से कंट्रोल पैनल में जाएंगे और यहाँ पर आप फिर से जाएंगे इंटरनेट ऑप्शंस में। इंटरनेट ऑप्शंस में जाने के बाद कनेक्शंस में, लैन सेटिंग में, जस्ट आपको इसको अनचेक कर देना है इस बार, इस सेटिंग को, प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग को आप अनचेक करेंगे, ओके करेंगे, देन ओके करेंगे, और फिर उसके बाद आप वेबसाइट कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, मैं ट्विटर डॉट कॉम यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो अब ट्विटर डॉट कॉम की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। तो एक छोटी सी प्रॉक्सी सेटिंग है जिसका आप अपने सिस्टम में यूज ले सकते हैं। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए और उनके काम आ पाए। जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और घर में रहें। धन्यवाद।